हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पाव मेरी जी के पार्ट 13 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इसी प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर जरूर देख लीजिए। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आप अनअकैडमी पे मेरे और बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं आपका। जैसे तीन बैचेस हैं, एक है आपका एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बैच जो कि आपको 17 जून से दिखेगा। इसके अलावा वन वर्ड और ईडियम पे बैच है जो कि आपको ईडियम्स वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस का बैच है जो कि आपको 2 जून से दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा बैच हमारा है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर सीजीओ सीएचएसएल सीपीओ एंड स्टेनोग्राफर एग्जाम। तो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस अगर इन सारे एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं पूरी इंग्लिश की, तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये आपका 1 जून से शुरू होगा, ठीक है। टाइमिंग्स आपकी मेंशन है, अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पे और सारे बैचेस आ रहे हैं जैसे कि टीम ऑल स्टार्स बैच है, इसके अलावा आखिरी पड़ाव बैच है, इसके अलावा संकल्प बैच है, सफलता बैच है, एंड देयर आर सो मेनी अदर बैचेस लाइक एसएससी एमटीएस बैच, स्टेनोग्राफर सीपीओ के लिए बैच है, एसएससी जीडी कांस्टेबल सीटी ब्रह्मास्त्र बैच। ये सारे बैचेस अनअकैडमी पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि हर संडे, आज हमारा फ्राइडे है यानी अब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सैटरडे लग जाएगा रात में, और हम इसमें आप अनअकैडमी के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे दोपहर 12 बजे टेस्ट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप रैंक लाते हैं 1, 2, 3 तो आपको 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा एसएससी का, और 4 to 10 लाते हैं तो 75% स्कॉलरशिप 50% मिलेगा 11 to 50 पर, और 51 to 500 आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए AMANT, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 10% डिस्काउंट के लिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का है जो कि आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा जो WhatsApp नंबर है वो आपको स्क्रॉल में नीचे दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और मैं अगर मुझे समय मिला तो मैं उसका कोशिश करता हूँ, मैं ज्यादातर लोगों से इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इन सभी में एनरोल कर लीजिए, शुरू करते हैं। इसके अलावा मेरे 2 फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, 1 दोपहर के 1 बजे और 1 शाम के 5 बजे। ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इनमें जाइए और एनरोल कीजिए और आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए मेरे साथ में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। @AmanTrivedi टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है @AmanTrivedi, यानी कि 2 बार आई लगा दोगे तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वहां पे जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, मेरे लाइफ पर्सनल लाइफ के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं उधर पे, तो आप वो भी ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वर्ड्स को। पहला शब्द हमारा है डॉन्ट। डॉन्ट क्या होता है? डॉन्ट इज अ वर्ब, मतलब होता है आपका टू मेक समबडी फील नर्वस एंड लेस कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कि एक तरीके से किसी को डराना या धमकाना, मतलब डराना एंड डिस्करेज करना किसी काम को करने के लिए, उसे कहते हैं डॉन्टिंग, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा चिल, डिमोरलाइज, डिस्करेज, डिसहर्टन, डिसमे, डिस्पिरिट, फ्रस्ट्रेट, अनमैन, अननर्व, और एंटोनिम हो जाएगा एम्बोल्डन, एनकरेज, हर्टन, नर्व, स्टील। तो डॉन्ट मतलब हो गया किसी को नर्वस फील कराना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील कराना किसी काम के लिए। तो डेंजर डिड नॉट डॉन्ट द हीरो, यानी कि खतरों के खिलाड़ी खतरों से नहीं डरते हैं। तो डॉन्ट मतलब होता है डराना, एक तरीके से किसी को डिस्करेज करना किसी काम करने के लिए। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मुन्ना भैया हैं वो उस एक मामूली से छात्र को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि IAS YAS बनो, कहाँ ये चुनाव उनाव लड़ने लग गए हैं। तो इन्होंने चुनाव का पर्चा भर दिया था, इसलिए मुन्ना भैया ने इनको 2 रैपट मारे। तो क्या किया उन्होंने? डॉन्ट किया, उन्हें डिस्करेज किया चुनाव लड़ने से। तो इट वॉज डॉन्टिंग एक्ट, यानी कि डराना किसी को एक तरीके से, डिस्करेज करना। समझ में आ गया, मीनिंग याद रहेगा मुन्ना भैया के साथ में, तो डॉन्ट याद रखेंगे आप। अगला टर्म हमारा है आपका, नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ। डर्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका मतलब होता है नाउन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। तो अ लैक ऑफ समथिंग, द फैक्ट ऑफ देयर नॉट बीइंग इनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होने को कहते हैं डर्थ ऑफ मनी या डर्थ ऑफ फैक्ट्स, किसी भी चीज की कमी हो सकती है उसे डर्थ कहेंगे। सिनोनिम हो जाते हैं इनएडिक्वेटनेस, इनसफिशिएंसी, लैक, लैकुना, पॉसिटी, पिंच, पावर्टी, स्कैंटीनेस, स्कारनेस, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, अंडर सप्लाई, वांट।
और एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंसी, एडिक्वेसी, एम्पलीट्यूड, ऑपुलेंस, प्लेंटीट्यूड, प्लेंटी, सफिशियंसी, वेल्थ, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड चिल्ड्रंस प्ले, यानी कि अच्छे गुड चिल्ड्रंस प्ले यानी कि अच्छे बच्चों के लिए जो नाटक है उनकी कमी है काफी। तो आपके आज के तारीख में आप इसको काफी ज्यादा टर्म ये इस्तेमाल में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि देश में वैक्सीन की खासा कमी चल रही है, तो उससे आप याद रख सकते हैं देयर हैज बीन डर्थ ऑफ वैक्सीन इन द कंट्री, देश में वैक्सीन की काफी ज्यादा कमी चल रही है। तो डर्थ ऑफ वैक्सीन, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, पॉसिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, पॉसिटी ऑफ फंड्स यानी पैसे की कमी के लिए पॉसिटी PAUCITY इस्तेमाल होता है, और स्कार्सिटी किसी भी चीज की कमी के लिए होता है, डर्थ भी होता है इसी के लिए। तो ये सारे शब्द आपको क्लोज टेस्ट में मिल सकते हैं, वहां पे आपको ये काम आएंगे। तो याद रखेंगे डर्थ मतलब हो जाता है कमी, अर्थ में अगर डी लगा दो मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी होना, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म हमारा है डिबैकल। डिबैकल इज ऑल्सो वेरी फेमस टर्म, इट्स अ नाउन, मतलब हो जाता है इवेंट और सिचुएशन दैट इज कंप्लीट फेलियर एंड कॉजेज पीपल टू फील अशेम्ड और एम्बैरेस्ड, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएं और उसके बाद आप अशेम्ड हो जाएं, एम्बैरेस्ड हो जाएं, उसे कहते हैं डिबैकल। तो डिबैकल का मतलब हो गया बुरी तरीके से हारना या बुरी तरीके से पराजित होने को कहते हैं डिबैकल। सिनोनिम हो जाएगा कपूर डिफंक डिबैकल डट हो जाते हैं इसके सिनोनिम, मैंने जो बताया है KPAPUT डिबैकल डिफंक DFUCNT NCT DUT। Apocalypse, calamity, cataclysm, catastrophe, disaster, tragedy, ये भी इसके synonyms होते हैं। He should take responsibility for the debacle and resign। यानी कि उसे उस हार के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये सुना सुना लग रहा होगा आपको, हाँ एक खास पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में, उसके नेता को बार बार ऐसा ही कहा जाता है लेकिन ऐसा कभी होते हुए नहीं दिखाई देता। तो डिबैकल आफ्टर बिहार इलेक्शन डिबैकल, कांग्रेस लीडर्स टुक टू हाई कमांड फॉर आंसर्स, यानी कि बिहार में बुरी तरीके से हारने के बाद कांग्रेस के नेता कांग्रेस लीडर्स की तरफ देख रहे हैं कि कौन जवाब देगा, कौन इसको जवाब दे ठहराया जाएगा, लेकिन किसी को नहीं ठहराया जाएगा। तो डिबैकल होता है बुरी तरीके से हारना, ये न्यूज की हाईलाइट है, ठीक है। अगला टर्म डिबॉशरी, डिबॉशरी और डिबॉचरी, डिबॉशरी मतलब हो जाता है प्रिहेपल बिहेवियर इन्वॉल्विंग टू मच सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, इट्स कॉल्ड डिबॉचरी। सो देयर हैज बीन टू मच डिबॉचरी इन फिल्म्स नाउअडेज, यानी मूवीज में आजकल काफी ज्यादा डिबॉचरी देखने को मिलती है, देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स अल्कोहल एंड ड्रग्स, इट्स कॉल्ड डिबॉचरी। सिनोनिम हो जाएगा करप्शन, डिप्रेविटी, इमोरालिटी, इनइक्विटसनेस, इनइक्विटी, लिबर्टिनेज, लिबर्टिनिज्म, लिसेंटियसनेस, प्रोफिलिगेसी, सिन वाइस, ठीक है, ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंड नेक्स्ट इज आपका, ओह माय गॉड, कीप वर्किंग, ऑलराइट, सीम्स लाइक इट्स नॉट वर्किंग। द नेक्स्ट इज एंटोनिम्स हैं हमारे, मोरालिटी एंड वर्चू विल बी द एंटोनिम्स ऑफ दिस टर्म। तो ओके, आई विल हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन। सो दीज पीपल रोल्ड इन वेल्थ एंड रॉइटेड इन डिबॉचरी, यानी कि ये लोग पैसे में डूबे हुए हैं, एंड दे आर करप्टली, पूरी तरीके से करप्ट हैं, एंड दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन सेक्स अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो उसके लिए आपका इसका टर्म का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डेबिलिटेड, डेबिलिटेड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म। डेबिलिटेड का मतलब होता है किसी की बॉडी या फिर किसी के माइंड को कमजोर करना, वीक करना, क्या कहलाता है, डेबिलिटेट करना। सिनोनिम हो जाएगा डिवेटिलाइज करना, एनर्वेट करना, एनफीबल करना, इथियोलेट करना, आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। चल जा भाई। तो प्रोस्ट्रेट करना, सैप, सॉफ्ट एंड टायर, वेस्ट, वीकेंड। एंटोनिम्स हो जाएगा बीफअप करना, सिक्योरिटी को बीफअप करना मतलब बढ़ाना, फोर्टिफाई करना मतलब किलेबंदी करना, स्ट्रेंथन करना मजबूत करना। She found the heat debilitating, यानी कि उसको जो heat, यानी कि heat किसको बोलते हैं, boxing match को, तो that was debilitating, यानी कि उसने उसे कमजोर कर दिया, तो noun is debilitation। आप याद रख सकते हैं कि जैसे corona has debilitated the people who got infected, जिन लोगों को corona virus ने infect किया वो लोग काफ़ी कमजोर हो गए, उन्हें काफ़ी weakness महसूस होती है। और इसके अलावा आप इसे इन्हें भी याद रख सकते हैं कि गुड्डू भैया सीजन टू में क्या हो जाते हैं, debilitate हो जाते हैं, weak कर दिए जाते हैं, weak हो जाते हैं, उनके पैरों में गोलियां लग जाती हैं। तो गुड्डू भैया वॉज debilitated इन सीजन टू, सीजन टू में उन्हें बहुत कमजोर हो गए थे, काफी वीक हो गए थे। अगला टर्म होता है डिकेडेंट,
Decadent मतलब हो जाता है आपका having or showing low standards, especially moral ones, and an interest only in pleasure, fun rather than serious things. यानी कि काफी ज्यादा नैतिकता में गिरावट आना और आप किसी भी तरीके की अच्छी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और प्लेजर और फन के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिकेडेंट. इट्स एन एडजेक्टिव, सिनोनिम हो जाएगा डिके होना, डीजेनरेट होना, आगे आएगा ये, एफेट करना, ओवरराइट, वॉश्ड अप आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम हो जाएगा अनडिकेडेंट. विदाउट योर बिट्रायल हाउ विल आई हैव नाउ डिकेडेंट, तुम्हारे धोखे दिए बगैर मैं इतना नीचे कैसे गिरता. तो ये हो जाएंगे डिकेडेंट. तो ये डिकेडेंट सोसाइटी, इट्स अ फेमस, इट्स अ बुक बाई न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलमनिस्ट, द डिकेडेंट सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो कि काफी ज्यादा नैतिक पतन होता जा रहा है, जिसका नैतिकता में वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए आता है डिकेडेंट. ठीक है, अगला टर्म हमारा है आपका डेसीमेट. डेसीमेट का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना, किल करना, क्या कहलाता है, डेसीमेट करना. सो टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स, एनिमल या लोगों को मारना क्या कहलाता है, डेसीमेट करना. जैसे कि मान लीजिए एक जगह पर पिछले अभी हम लोगों के लास्ट ईयर बर्ड फ्लू फैला था, तो बहुत सारी बर्ड्स को मार दिया गया था, तो दैट इज कॉल्ड डेसीमेट करना. सिनोनिम हो जाता है एनिहिलेट करना, क्रीम, डिमोलिश, डेसोलेट, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, डूइन, एक्सटिंग्विश, न्यूक. और एंटोनिम्स हो जाएंगे बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, पुट अप, रेज, रियर, सेटअप. रैबिट पॉपुलेशन वॉज डेसीमेटेड बाय द डिसीज, यानी कि बहुत सारे रैबिट्स जो हैं बीमारी की वजह से मर गए. ठीक है, डेसीमेशन इसका नाउन हो गया. तो आपको याद होगा ये थानोस चाचा जो हमारे थे, इन्होंने क्या किया था, एक चुटकी बजाई थी और एक चुटकी से दुनिया के आधे लोग खत्म हो गए थे, मतलब आधे नहीं, काफी लोग खत्म हो गए थे. तो थानोस डेसिमेटेड हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, फैक्चुअली हो सकता है थोड़ा करेक्ट ना हो, मुझे कंफ्यूजन है हाफ खत्म हुए थे कितने हुए थे, जिसको पता वो कमेंट्स में बता देना. तो डेसीमेट मतलब होता है किसी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना. ठीक, याद रखिएगा इसको थानोस चाचा के फेस के साथ में. अगला टर्म है हमारा डिकोरस. डिकोरस मतलब होता है बहुत ही डेकोरम वाला बिहेवियर, पोलाइट एंड अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन. एक सामाजिक सिचुएशन में जैसे आपको बिहेव करना चाहिए, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड, बहुत ही एटिकेट्स, मैनर्स के साथ में, उसे कहते हैं डेकोरस बिहेवियर. तो बिफिटिंग, करेक्ट, डीरेगर, डिसेंट, जेंटील, नाइस, पोलाइट, प्रॉपर, रेस्पेक्टेबल, सीमली. एंटोनिम हो जाता है इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, इनडिसेंट, इनडेकोरस, इनडेलिकेट, अनबिकमिंग, अनजेंटील, अनसीमली. हिज मैनर एज एवर वॉज डेकोरस, यानी कि उसका जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा सभ्यता भरा था, काफी ज्यादा डेकोरम भरा था. ठीक, तो ये गलती से दोबारा आ गया है, डेकोरस है आप याद रखेंगे, बहुत ही डेकोरम वाला बिहेवियर. अगला टर्म है डिड्यूस करना. तो ये आप लोग मैथ्स में खूब पढ़ते ही हैं, किसी से कुछ इन्फर करना, जैसे आप टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन और एविडेंस दैट इज अवेलेबल, यानी कि जो एविडेंस या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे कोई कंक्लूजन तक पहुंचना क्या कहलाता है, डिड्यूस करना. जैसे आई डिड्यूस्ड दिस दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो सिनोनिम हो जाएगा कंक्लूड, डिसाइड, डेराइव, एक्सट्रापोलेट, गैदर, इन्फर, जज, मेक आउट, रीजन, understand will be the synonyms. We can deduce a conclusion from the premise, यानी कि उसकी जो कहानी की premise हमें पता चली उससे हम एक conclusion तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो deduce याद रखेंगे, deduce मतलब होता है कुछ infer करना कहीं से. ठीक है, maths में आप value निकालते हैं उसी को कहेंगे deduce करना. Defame करना, defame करना मतलब हो जाता है किसी को बदनाम करना. Famous मतलब नाम करना, defame मतलब बदनाम करना. तो किसी की हार्म समबडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग्स अबाउट देम इज कॉल्ड डिफेमेशन. सिनोनिम हो जाएगा एस्पर्स, ब्लैकन, कैलुमिनेट, लाइबल, दीज आर द सिनोनिम्स, मैलाइन, स्लैंडर, स्मियर, ट्रेड्यूस, विलीफाई, दीज आर द सिनोनिम्स. द आर्टिकल इज एन अटेम्प्ट टू डिफेम एन ऑनेस्ट मैन. द आर्टिकल जो है वो एक आदमी को बदनाम करने के लिए लिखा गया है, तो आर द डिफेम. डिफेम मतलब हो जाता है किसी को बदनाम करना. ठीक, तो अभी रामदेव बाबा पे IMA ने क्या किया है, 1,000 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया है. तो डिफेम का नाउन बनेगा तो TION लग जाएगा. डिफेमेशन केस करना मतलब मानहानि का दावा करना. तो डिफेमेशन केस कर दिया है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, रामदेव बाबा के ऊपर. अगला टर्म हमारा है डेफरेंस. याद रखिएगा डिफरेंस और डेफरेंस में सिर्फ 2 E का फर्क है. ठीक है, तो डिफरेंस में डबल F आता है,
डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और डिफरेंस मतलब होता है बिहेवियर दैट शोज रिस्पेक्ट, दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट somebody or something, यानी कि आप बिहेवियर दैट शोज यू रिस्पेक्ट somebody or something, यानी कि वो ऐसा दिखाता है कि आप किसी को सम्मान करते हैं, किसी के बिहेवियर को इस तरीके से दिखाना। सिनोनिम हो जाएगा एक्विसेंस, बिडेबिलिटी, कंप्लायंस, कॉम्प्लेसेंसी, डोसिलिटी, ओबीडियंस, सबमिसिवनेस। एंटोनिम हो जाएगा डेफियंस, डिसोबीडियंस, इंट्रैक्टिबिलिटी, रिकॉल्सिट्रेंस, दीज आर द एंटोनिम्स। ही ट्रीट्स हर विद सच डेफरेंस, यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ उसको वो ट्रीट करता है। तो आप इसको इससे याद रख सकते हैं, ये मिर्जापुर का ही एक सीन है, हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई, यानी कि ही शोड अ लॉट ऑफ डेफरेंस फॉर गोलू, शायद गोलू, गोलू ही नाम है उसका, फॉर गोलू इन द सीजन वन। बट बेचारे भैया, चलो स्पॉयलर नहीं देंगे, जिन्होंने नहीं देखा हो वो लोग देखना, इंटरेस्टिंग सीरीज है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका डेफिनेटिव। डेफिनेटिव जो टर्म है ये बनता है डेफिनेट से, डेफिनेट है वैल्यू मतलब जो फिक्स है। दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट मतलब जो फिक्स होता है, डेफिनेटिव मतलब हो गया फाइनल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड। सिनोनिम हो जाएंगे अथॉरिटेटिव, क्लासिक, क्लासिकल, मैजिस्टेरियल। देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू दिस, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। सो दैट इज अ डेफिनेटिव टर्म, सिंपल था। अगला है डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब होता है किसी की क्वालिटी में कमी आना, धीरे धीरे वीक हो जाना, क्वालिटी में कमी आना, क्या कहलाता है डीजेनरेट। सिनोनिम हो जाएगा अट्रॉफी, क्रम्बल, डिके, डिक्लाइन, डिसेंट, डिटेरियोरेट, डिवॉल्व, एब, रिग्रेस, रेट्रोग्रेड, रॉट, सिंक और वर्सन। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे एमेलियोरेट, इंप्रूव या मेलियोरेट। हर हेल्थ डीजेनरेटेड क्विकली, उसकी हेल्थ जल्दी ही खराब हो गई, ठीक है। सो डीजेनरेट, आप लोगों ने अगर ये सीजन दोनों देखे होंगे तो मिर्जापुर का जो सीजन वन था वो ज्यादा बेहतर था, सीजन टू उतना बेहतर नहीं था। सो द क्वालिटी ऑफ मिर्जापुर टू डीजेनरेटेड फ्रॉम मिर्जापुर वन, मिर्जापुर वन की क्वालिटी बेहतर थी। तो डीजेनरेट मतलब होता है कि कमी आना किसी की क्वालिटी में। अगला टर्म हमारा है आपका डिलीटेरियस। डिलीटेरियस मतलब होता है हार्मफुल होना या फिर डैमेजिंग होना, ठीक है, जो हार्मफुल है। सिनोनिम हो जाएगा एडवर्स, बैड, बेलफुल, बेनफुल, डैमेजिंग, दीज आर द सिनोनिम्स। डेंजरस, डेट्रीमेंटल, एविल, हार्मफुल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, एसएससी में आया हुआ है। एंटोनिम्स हो जाएंगे एनोडिनी, बिनाइन, हार्मलेस, हर्टलेस, इनोसेंट, इनोकस, इनऑफेंसिव एंड सेफ, ठीक है। देखिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को शेयर भी करो, ठीक, तीनों काम करो तो ही पुण्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे एनोडिनी, बिनाइन, हार्मलेस, हर्टलेस, इनोकस, इनऑफेंसिव, सेफ। पिटी क्राइम्स इज हैविंग अ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन कम्युनिटी लाइफ, यानी कि छोटे छोटे जो क्राइम्स हो रहे हैं इनसे कम्युनिटी लाइफ पे बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा इस सीन में जो है ये ड्रग्स लेते हैं मुन्ना, क्या नाम है, गुड्डू भैया, इनको गलती से जो कंपाउंडर है वो ड्रग्स दे देता है। तो ड्रग्स हैड डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन गुड्डू भैया हेल्थ, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट हुए उसके, ठीक। अगला टर्म हमारा है आपका डेलिनेट। डेलिनेट मतलब होता है डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, ठीक, डिटेल में। तो डिफाइन, आउटलाइन, सिलहट, स्केच, ट्रेस, दीज आर द सिनोनिम्स। आवर ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी प्रिसाइजली डेलिनेटेड, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही क्लियरली प्रिसाइजली मेंशन होने चाहिए, ठीक है, नाउन हो जाता है डेलिनेटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डेलिनेट द डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि मैं कठिन शब्दों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, द नेक्स्ट इज आपका द नेक्स्ट इज डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी को कुछ गलत बात पे भरोसा दिलाने की कोशिश करना। टू मेक somebody बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, कुछ लोगों को ऐसा भरोसा दिलाना जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स आएंगे बैम्बूजल, बिगाइल, ब्लफ, बफलो, बर्न, कैच, कॉन, कॉज एंड डिसीव यू। एंटोनिम हो जाएगा अनडिसीव। सो आई वॉज एंग्री विद हिम फॉर ट्राइंग टू डिल्यूट मी, यानी कि मैं उसे गुस्सा था मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, या मुझे टू मेक somebody बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू के लिए, ठीक। नाउन हो जाएगा डिल्यूट। तो डिल्यूट क्या हो जाता है आपका, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक व्हाट्सएप मैसेज काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा था थोड़े दिन पहले, मतलब मेरे पास भी आया था। इसमें लिखा था कि कोई नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, जिन्होंने दावा किया है कि जितने भी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है वो अगले कुछ दिनों में, अगले दो साल के अंदर सब लोग मर जाएंगे। मैंने कहा अगर ऐसा है तो बढ़िया है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं।
तो ये क्या है, एक फेक मैसेज था. सो दिस फेक व्हाट्सएप मैसेज वॉज ट्राइंग टू डिल्यूट पीपल दैट वैक्सीन विल किल पीपल, यानी कि लोगों को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि लोगों को झूठ को सच बताने की कोशिश कर रही थी कि लोग जो है जो वैक्सीन लगवाएंगे वो मर जाएंगे. तो ये नोबेल पीस प्राइज भी देता है, ये फेक न्यूज थी. ठीक है, सरकार की PIB ने भी ये जारी किया है. अगला होता है डिल्यूज. डिल्यूट एंड डिल्यूज. डिल्यूज मतलब होता है बाढ़ आ जाना, एक जगह पे पानी बहुत ज्यादा भर जाना, बाढ़ आ जाने के लिए आता है डिल्यूज. अ सीवियर फ्लड, अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन इज कॉल्ड डिल्यूज, यानी कि बाढ़ आ जाने को कहते हैं, या फिर एक जगह पे बहुत अधिक पानी बरस जाने के लिए. सो सिनोनिम्स हो जाएगा एलुवियन, बाथ, कैटाक्लिज्म, कैटरैक्ट, फ्लड, फ्लड टाइड, इनंडेशन, दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर ड्राउट, मतलब हो जाता है आपका सूखा पड़ना. सो व्हेन द स्नो मेल्ट्स द माउंटेन स्ट्रीम बिकम्स अ डिल्यूज, यानी कि जब स्नो पिघलती है तो माउंटेन स्ट्रीम्स जो होती हैं उसमें बाढ़ आ जाती है, पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है. ठीक है, अगला टर्म हमारा है आपका डेमागॉग. So demagogue is a term for political leader who tries to win support by using arguments based on emotion rather than reason. यानी कि आप देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं किसी भी political leader का नाम नहीं लूंगा, but आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई political leader होता है वो क्या करता है, political leader ऐसी कोई बात करेगा जो factually incorrect है, गलत है, लेकिन चूंकि वो बहुत सारे लोगों को सही लग रही है इसलिए हम उसे बात को कह देते हैं, उसे कहते हैं डेमागॉग. डेमागॉग मतलब हो गया जो ऐसी बात कर रहा है जो सभी लोगों को बहुत सारे एक मास पब्लिक को अच्छी लग रही है लेकिन वो इनकरेक्ट है, उसे कहते हैं डेमागॉग. इसे भड़काऊ भाषण देना भी कहा जाता है, तो ऐसा पीछे पर्सन जो बहुत भड़काऊ भाषण देता है उसे भी डेमागॉग कहते हैं. इसलिए सिनोनिम इसके होते हैं एजिटेटर, एक्साइटर, फायरब्रांड, फोमेंटर, इंसेंडरी, इंसाइटर, इंस्टिगेटर, किंडलर, प्रोवोकेटर एंड रेबल राउजर. बोली थी अमेरिकन एक्सेंट, चलो नॉर्मल पढ़ लेते हैं. एजिटेटर, एक्साइटर, फायरब्रांड, फोमेंटर, इंसेंडरी, इंसाइटर, इंस्टिगेटर, किंडलर, प्रोवोकेटर एंड रेबल राउजर, दीज आर द टर्म्स. ठीक है, चलो तो डेमागॉग इज द राइट टर्म, मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना. आई डोंट वॉन्ट टू डेमागॉग माई टॉक, यानी कि मैं कोई खास का भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहता. द नेक्स्ट इज डेनिजन. डेनिजन मतलब जैसे नेटिजन है, नेटिजन मतलब जो नेट पे रहने वाले लोग हैं. डेनिजन मतलब अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो एक जगह पर बहुत, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले लोग हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, उन्हें डेनिजन कहा जाता है. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. सिनोनिम हो जाएगा फेमिलियर, फ्रिक्वेंटर, हैबिट्यू, हॉन्टर, रैट, रेगुलर, दीज आर द सिनोनिम्स. So deer, foxes and squirrels are among the denizens of the forest. यानी कि deer, foxes and squirrels हैं क्योंकि forest में रहने वाले animals हैं. ठीक है, अगला है depravity. Depravity का मतलब होता है the state of being morally bad and morally bad acts, उसे कहते हैं depravity. किसी के morally bad acts को कहेंगे depravity. Abjection, corruption, corruptness are the terms. Debasement, debauchery, हमने पढ़ा था debauchery and decadence. So he felt the pinch of depravity, यानी कि वो moral नैतिक पतन उसने. So these are the terms for today and I hope you enjoyed the session. If you liked it, please do like, share and also do subscribe to the channel. If you want to take an Academy Plus subscription, use code AMANT, AMANT, and also you can WhatsApp me at 8299117042 for any query related to anything related to preparation or related to subscription or anything. Okay, so if you liked it, please do like, share and comment. Also, there is a new video on the channel on which we have talk to a guy who is posted in Iraq and he is an MEA, ASO in MEA. So you can watch that video. आप उस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल पे वो अवेलेबल है. आगे भी ऐसे ही वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी से जाके देखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सो मच.